नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर किस तरह स्टूडेंट को ऑनलाइन रोल नंबर आवंटन करने हैं ऑफलाइन आवंटन करने के पश्चात। तो अगर आप परीक्षा प्रभारी हैं या फिर परीक्षा प्रभारी ने आपको रोल नंबर आवंटन करके उसकी सूची सुपुर्द कर दी है, तो आप निश्चित रूप से इसका रोल नंबर ऑनलाइन शाला दर्पण पर सभी स्टूडेंट का रोल नंबर आवंटित कर दीजिएगा। जब तक आप रोल नंबर आवंटित नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट के जो रिजल्ट है उसकी एंट्री शाला दर्पण पर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ शाला दर्पण में। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर से हम विद्यार्थी टैब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिख रहे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा रोल नंबर आवंटन या फिर रोल नंबर अलॉटमेंट अंग्रेजी में हो। तो इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है एंट्री ऑफ द स्टूडेंट रोल नंबर फॉर करंट सेशन। वर्तमान सेशन के लिए स्टूडेंट का रोल नंबर अलॉटमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक सूचना, विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने के लिए रोल नंबर का भरना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है इनका रोल नंबर भरना आवश्यक है। तो सेशन सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फिलहाल कक्षा 1 के लिए अगर भरना चाहता हूँ तो 1 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर उसका सेशन सेलेक्ट करूँगा और शो पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर नीचे की तरफ स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर जो भी आप अलॉट करते हैं उसको यहाँ पर एडिट एंट्री कर देंगे। अगर जिस क्लास का एंटर कर रहे हैं वो बोर्ड क्लास है और उसका बोर्ड का रोल नंबर आ चुका है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे। अदरवाइज जब बोर्ड का रोल नंबर आ जाए इसके बाद उसे भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंट का सेव कर देता हूँ और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सभी बच्चों की एंट्री करने के पश्चात आप यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स रोल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं और स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसे चिपका सकते हैं आपके नोटिस बोर्ड पर, आप इसका प्रिंट चिपका सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन बच्चों का, स्टूडेंट का रोल नंबर अलॉट कर सकते हैं शाला दर्पण पर। यह था वीडियो किस तरह से आप विद्यार्थी टैब में रोल नंबर अलॉट करोगे अपनी स्कूल के स्टूडेंट के लिए। अगली क्लास को यहां से सेलेक्ट कर देनी है और सेशन को फिर से सेलेक्ट करना है और इसके पश्चात शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन स्टूडेंट की लिस्ट पुनः शो हो जाएगी अगली क्लास के बच्चों की। यहाँ पर उनका रोल नंबर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से आप इनका सभी का अपडेट कर दीजिएगा। बोर्ड क्लास के लिए अगर रोल नंबर अलॉट करना है तो जब भी उसका रोल नंबर आ जाए यहाँ पर अलॉट ज़रूर करना है। कक्षा 10 और 12 के लिए, 8 के लिए भी, तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। बोर्ड क्लास का रोल नंबर भी अलॉट करना बिल्कुल ना भूलें। बोर्ड क्लास का रोल नंबर अलॉट करने के लिए आप, मैंने यहाँ पर बोर्ड क्लास को सेलेक्ट कर दिया है और सेशन को और शो पर क्लिक किया तो यहाँ पर उन स्टूडेंट की लिस्ट शो हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका जो स्कूल का रोल नंबर है वो यहाँ पर एंट्री कर दूंगा, जैसा कि इनका स्कूल का रोल नंबर है 1000 यहाँ, ठीक है 1001, तो मैं इसको 1001 एंट्री कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो उसका बोर्ड का रोल नंबर है वो यहाँ पर एंट्री कर दूंगा। इस तरह से सभी स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर एंट्री कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा शाला दर्पण में सक्सेसफुली। फिलहाल इनका बोर्ड का रोल नंबर आया नहीं है तो मैं इसे अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्कूल का रोल नंबर अपडेट कर दूंगा। इस तरह से आप शाला दर्पण पर बच्चों के रोल नंबर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।